मेरी बीवी हो रही है बिल्कुल तैयार बेहतरीन सी। ये नहीं जचा। नहीं जचा डेली जमाऊंगा ही क्या? खाने में मिला है दही। मेरी बीवी बन रही है चुड़ैल। आज आपको क्या कैमरा लाके खड़े कर देते हो? आज आपको तिल लगाने की जरूरत नहीं है। फूलो सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। नेचुरल लग रहा है। मैं कितना काला लग रहा हूँ तुम्हारे साथ? तुम काले हो तब। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 जाने वाले हैं। क्या हुआ, पैर हो रही है? कभी सुखों का मेला कभी है अकेला ये जीवन। ओ कभी कभी कोई ऐसा गाना होता है जो दिल को भी छू जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए आ जाता है आंखों में आंसू, पर आपको तो कभी नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ दाल छौंकने, और इसमें देखो इतने सारे घी कैसे निकाले। ये इसके दीदी पूरी पिन्नी बाहर निकल जाएगी, इसे है ना फिर वो गर्म करके निकाल देते हैं हम तवे। तो इसको कैसे गर्म करेंगे? तवे पे या तवे की साइड ऊपर रख के पिघल जाएगा ना। देखते हैं, ये तो पूरा उसके है। ये लग गया, मैं बोली ना हमको तो कहा जा रहा है यार, ये तो तो आग लग जाएगा भाई, ऐसे मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। कैसे करूँ फिर, ऐसे हाथ से निकाल दू? नहीं हो रहा जितना। नहीं चल रहा, ऐसे हाथ से देखते जितना निकलता निकल रहा। अब इतने से घी से क्या हो जाएगा मेरा, खड़ो मुझे नहीं पसंद है ऐसे। पहले मैं हाथ धुल के आऊँ, मेरे हाथ में सारे घी घी लग गए हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ शादी का इनविटेशन कार्ड आया था, तो कुछ साड़ी है जो मुझे सिलवाना है, और ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं सिलवाऊँगी अपने तरीके से सिलवाऊँगी। इसको मैं एक साइड रख देती हूँ और मुझे जल्द से जल्द देना है सिलने के लिए। देखो ये वाली साड़ी और जो भी आप लोग को दिखाया, ये साड़ी दो बार आ गई है, तो इसमें देखते हैं कैसे क्या कराते हैं। और एक साड़ी ये है जो कि इसमें भी हमको साड़ी ब्लाउज सिलवाना है, और एक और ऐसा जो मैं बोली कि सिलवाना है ना, इसका तो बना चुके हैं, इसका देना था ना, इसका देना है। एक ये देना था सिलने के लिए, ये भी है क्या? ये भी तो सिले सिलाना है। चलो मैं इसका नाप दे देती हूँ और मेरा ब्लाउज। अभी मैं कल कौन सा पहनी थी मैं, ये नाप दे देती हूँ मैं फटाक से, ये सिल देंगे मेरा भैया जल्द से जल्द, ठीक है। और मुझे अभी जैसे जैसे आएगा मैं देती रहूँगी, और मैं प्रवीण के हाथ से भिजवा दे रही हूँ, वो सामने वाली है ना, उनके यहाँ भिजवाती हूँ, वो शाम को जाएंगी दे देंगी मेरा। एक दो तीन, ये चलो। तो गाइस आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए मुझे, जल्दी से जल्दी, आप लोग देते नहीं हैं प्यार थोड़ा सा। तो मेरा हार के जान भी दे दो तुझको हम दिल हारे, गाइस देख रहे हो ये आपका खाना।
थैंक यू सो मच मेरी जान। खा लो खाना। दाल कैसे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। अरे मैंने क्या किया ना, मेरा दिमाग नहीं गया, इसमें मैंने जीरा ही नहीं डाला, बस लहसुन और घी में छौंका लगा दिया, और जीरा तो बाद में डाल नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग आज कहाँ है ना, तुमने अदरक डाली चाय में और तुमने दाल तड़का मारा उसमें तुमने जीरा। मेरा दिमाग किसी ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। मिलते हैं भी तुमसे हम कुछ देर बाद, बताते हैं। चुटकी चुटकी सिंह, चुटकी वो दही नहीं खाती, वो नहीं खाती तुमका तो धक्का मारा। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, अपनी कसम। आप कसम मत खाओ, आप वैसे ही बोल दोगे तो मैं आप पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे पर विश्वास करते हो। वो तो आपका दिल ही जानता होगा। मेरा दिल जानता है भाई, मैं गंगा की तरह पवित्र और साफ हूँ। चलो ये लो पानी, ठंडा पीते हो ना तो ठंडा, ये वेट लॉस करोगे तो ठंडा पी के कभी जिंदगी में नहीं कम होगा। खाना खाने के टाइम में थोड़ा सा पी सकते हैं, मिक्सअप करके देखो। ब्लॉग नंबर चेंज किया था परवीन, ये मेरा खाना। अरे तो मैंने खाने में तो बताया ही नहीं। छोटी मैं आ जाओ खाना खा लो, मैं भेज देती हूँ ना। आज खाने में क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है जो ग्लास में है, तो एक देखो दही है, छाछ है, दाल है, सब्जी है, चावल है, ये पानी है। ये छोटी है, छोटी छाछ वगैरह दूध ये सब नहीं खाती है तो उनके लिए नहीं दी, बस चावल सब्जी दे दी। तो चलिए खाना खा करके फिर आप लोगों से मिलेंगे 10 मिनट बाद, पूरे 10 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। मेरी बीवी हो रही है बिल्कुल तैयार, बेहतरीन सी। ये नहीं जैसा, नहीं जैसा डेली जमाऊंगा ही क्या, खाने में खाने में मिला है दही, मेरी बीवी बन रही है जुड़ा है। नहीं भाई सितारे लग रहे हो पूरे आज। मैंने आपसे पूछा कि मैं क्या लग रही हूँ, इन्होंने कहा परवीन परवीन आके वीडियो शूट करो, तुरंत उठ के बैठा था और रात को एसी को ऑन करा था चालू करने के लिए। चालू कहाँ था? चालू था जब मैं उठी थी देखी थी, पर इतनी गहरी नींद में रोते रोते सो रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला। बिगड़ जाएगा आँख ना तो हम सच में। आज आपको क्या कैमरा ला के खड़े कर देते हो, आज आपको तिल लगाने की जरूरत नहीं। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। उसको आप दाल चावल तो खिला नहीं सकते हो, किचक खिला दे कम से कम। छोटे जाओ लेकर बाबू, जाओ मैं देख रहा हूँ, चल जाओ। कुची इनको पता था कि मम्मी तैयार हो रही है, वीडियो बनाएंगी, मैं उठ जाता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ, चैन के खुल गया। कुची कुची इनका गेटअप देखा गाइस आप लोगों ने, दीदा दीदा लुक दिखा दो अपना। कुच्चा सच पुट्टी नहीं किया क्या ये? क्या तुमको मैं क्या बोलूं आज, तुम मतलब कितनी हिला क्यों रहे हो बेटा, इतनी खूबसूरत तुम लग रहे हो, तुमको कौन सी उपाधि दूं मैं? मत दो भाई मुझे, कुछ तो उपाधि तुम्हें देनी पड़ेगी। मैंने क्या आपको मुझे ना भाई बनाने मन कर रहा है। ओहो हो किट्टो रानी, क्या बात है किट्टो, ए किट्टो थोड़ा हमारी बात सुन लो भाई, पता है आप ब्यूटीफुल लग रही हो किट्टो, सुनो तो सही। बोलेंगे कि कैसे ही सुन ले हम, कुछ बोलेंगे नहीं सुन ले हम। ले लो भाई, इतना भाव खा रही, इतना भाव खा रही है, क्या मैं बोलूं। अगर मेकअप का प्रोडक्ट मेरे एक भी टूटा, हम सब किट्टो हम लोग जब गांव जाते हैं, हम लोग पीछे जो पेड़ है, पेड़ पे वो कौन सा पंछी आके बैठता है डेली? कौन बैठता है बताओ? बताओ ना। मैं क्या बताऊं? कौवा बैठता है ना, कौवा। कौवा कैसे करता है? कां कां। तेजी से बोलो। कां कां। कौवा कौवा हो, कौवा कौवी हो, कौवी किसको बोलते, कैसे बोलता है बोलो ना। काओ काओ, इधर इधर करके समझ गई क्या तुम? आज इस काले कपड़े में पूरी कौवा लग रही हो। अगर ये ब्लैक ब्लैक करता ना तो हम आपको भी कौवा बना देते। आपको पता भी है कि क्या लिया था ये? क्या लिया था? मतलब दिखाई नहीं देता है वीडियो शूट करने के चक्कर में, आपको मुंह में डाल देता है। छोटी तुमको एक छोटा सा काम दिए हैं, वैसे पकड़ो खिलाओ। अरे तो गोदी में लेके खिला लो, वो बैठी नहीं
एक मैं बोला मेरे बच्चे को खाना ख्याल कुच्चा कुच्चा जरा तू बहुत तंग करने लगा है, तेरी मम्मी वैसे ही मुझसे जलती है। पता नहीं कहाँ से काऊ काऊ की आवाज आ रही है। अरे जा ना। देख फिर काऊ की आवाज आई। नेचुरल लग रहा है। मैं कितना काला लग रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम काले हो। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 जाने वाले हैं हम काले। चौड़ा है ना, जिम करती क्या ऐसे करो। दुष्ट हुआ। चलो ये कौवा तैयार हो गया है। अब कम बुला करिए, ज्यादा नहीं बुला करिए आप। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कोयल बोलूं? कोयल बोल दूंगी तो गुस्सा आ जाएगा, हम जब ज्यादा बोल देते हैं तो। अरे हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा होते कभी? हम आपको कुछ बोलते हैं जो आप इतना बोल रहे हैं? हम कुछ ऐसा लगते ही नहीं है। चलो मैं कहूंगा इसे, आप अच्छे हो ना, आप अच्छे बन के रहो। ये पकड़ो यार, तुम्हें पता है मैं कुछ ना कुछ तकिया कलाम तुमको देता हूँ हमेशा। तो कौवा बना दो, बिरयानी बना दो, और कुछ बना दो। ऐ मेरा डर कहाँ रखे तुम? थका दिया किट्टू तुमने। गाइस मैं आइए आप लोग को टूर कराता हूँ। किस चीज का टूर कराएंगे आप? अरे ये देखो किट्टू के ड्रेसिंग टेबल का टूर। भाई साहब इसमें मेरा कोई भी चीज नहीं है, एक भी चीज मेरा नहीं है, सब इनका है। और इसे तो ऐसे सरिया के रखती है, अभी ये शीशा खोले खट से नहीं। चलिए मेरा बाल झाड़ो। अरे बोरिंग काम मत करें, झाड़ो फिर उसको स्ट्रेट कर देना। मैं क्या पहनूंगा बोलो ना, कोट पैंट ना पहनो, कोट पैंट। मेरे पास ब्लैक कोई ड्रेस नहीं है, और ब्लैक शर्ट पहन लेता हूँ ना। ये आग भी लग जाएगी, ये देने वाली चीज नहीं है। आजकल तुम इतनी सुंदर क्यों लग रही हो, पिछले 4-5 दिनों से ज्यादा। मेरा अगली चलती शाम को कराऊंगी, क्योंकि बाल देखो नीचे से। क्या नीचे से? नीचे से देखो ना, हो गया है। आ जाओ। अरे इसके यहाँ नीचे मतलब ये होता है। थोड़ा सा क्या बाबू क्यों जितना पैसा लगे खोल दिया? देखो नहीं पेमेंट पूरा है, 7000 पेमेंट कर रखी एडवांस में, पेमेंट करके आ रखी है। बताओ भैया पहले ये बात, ये यहाँ पति के अकाउंट में 100 रुपया नहीं है, और बीबी पार्लर जाके एडवांस पेमेंट करके आ रही है। इसका रूल था क्या? रूल था क्या? अरे मेरा एक बिंदी यहाँ चिपका है, मेरे भी एक बिंदी चिपका था, देखिए फेंक दिया। क्या झूठ बोले? आज गाने सेलेक्ट किए अच्छे, आजकल हमारे रील्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। कल फोन आए थे मेरे पास 4-5 कि अमित भैया आप रील्स बहुत अच्छा बना रहे हो। मैं सोच रही थी आज मैं कुछ चेंज करूं। नहीं अच्छा, ऐसे खुला ही बाल इसमें अच्छा लगेगा, इसमें खुला ही बाल अच्छा लगेगा। तो आगे से कुछ चेंज देखिए वो। हाँ मंदा कुलकर्णी जैसा कर लो ऐसे ही। क्या हुआ, पैर रो रही है? कभी सुखों का मेला कभी है अकेला ये जीवन। ओ कभी कभी कोई ऐसा गाना होता है जो दिल को भी छू जाता है, और ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए आ जाता है आंखों में आंसू, पर आपको तो कभी नहीं आएगा ना। अच्छा मुझे आंसू नहीं आता है? आप पे कभी ऐसा चीज बीता? मैं जब रोता हूँ तो भैं भैं एकदम रोता हूँ खतरनाक, तुम्हें पता है कि मैं कितना तेज रोता हूँ। और जब मैं रोती हूँ तो अरे बाप रे, एडमिट हो जाती हो, ये तुमको रोने नहीं देते हम जल्दी। मैं बहुत ज्यादा रो देती हूँ ना, रोती रहती चुप होने का नाम ही नहीं लेती। काफी दिन हो गया एडमिट हुए है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ज्यादा नहीं बोल रही है। मैं बहुत सही बोल रही हूँ, घुसा दो आंखों में।
कैमरे में क्या देख रहे हो प्रवीण? लाइट। सोच लिया क्या बनाएंगे आप? चलो देखते हैं क्या बनाते हैं। थोड़ा सा अच्छी सास को पूछ दीजिए तो, क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ ना, फैल जाएगा। नहीं कुछ मत करो, टच करो कुछ नहीं। मत छुओ। करिए भैया, भैया धीमा करिए भैया, भैया कुछ कह रही हूँ भैया। तो यहाँ पे ये हमसे कंप्लेन करके आए हैं, मम्मा प्रवीण भैया, मम्मा हमको क्या हुआ? चलो देखे। अच्छा हाँ कौन ये? तो प्रवीण इसको गोद में नहीं लिया था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ऐसे खड़े खड़े पे। तो खड़ा रहता है तो चिढ़ता बहुत ज्यादा है कि मुझे गोद में क्यों नहीं ले। तो ऐसे वहीं पे खड़े होके पहले खुद चिल्लाएगा, जब इससे बर्दाश्त नहीं होगा तो आके मुझसे कंप्लेन करेगा। फिर मैं आके देखी तो क्या हुआ था बेटा? कृतिक इतना जुल्म करोगे प्रवीण मेरे बेटे के साथ, बताओ? आके कंप्लेन कर रहा है। चलिए गाइस, आके कह रहा है ले ले, उसमें बाबू कुछ नहीं है जो छूते हो। और अब से मैं ना, मेरे पास देखिए एक बहुत ही प्यारा सा एक तोहफा रखा है। गिर जाएगा सामान, आप गिर जाओगे, मैं ये आपके सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। टीवी गिर जाएगा, लगेगा तो इसको लगेगा। मैं पागल नहीं हूँ। चलो गाइस, ये हम जाएंगे रात में, आज को देंगे तो आप लोग को ब्लॉग दिखाएंगे। आपका फोन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आपका फोन, मैं कहना चाहता हूँ कि आज पुतरानी बहुत सुंदर लग रही है, और किट्टू रानी वही पुरानी जब नई नई शादी हुई थी ना, वही वाली किट्टू रानी कुछ दिनों से लग रही है। मैं बोल तो रहा हूँ, कल पेट देखो थोड़ा यार, अभी तो ये चीज तो नहीं बदल सकती ना, तो वो बच्चा हुआ है, जब बच्चा जब प्रेगनेंट पास आ जाए प्रवीण, जब लेडी प्रेगनेंट होती है तो किट्टू का जो बच्चा था ना बिल्कुल नीचे था, इस किट्टू का जो पेट था ना यहाँ से पूरा फूला हुआ था, बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ था, यहाँ से पूरा पूरा सब मिक्स हो गया था, ये पूरा कमर ले गया, कमर और उमर सब मिक्स था, इसको पता नहीं चल रहा था कौन कौन चीज किधर है, कमर आ गया कि पीछे क्या कुछ नहीं पता, सब ऐसे हो गया था, ढोलक की तरह हो गई थी। तो अभी लेकिन बहुत मेहनत कर रही बच्ची हमारी, और मेरे को भी करवा रही है, तो अच्छा लगता है, मैं भी थोड़ा सा फिट हो जाऊँगा, तो अच्छी लग रही है। आपको खुद ही कॉमेंट बताइए कैसी लग रही है, तो वीडियो पसंद है लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए।